भारतीय जनता पार्टी में कुलदीप जी आए, आते ही परिवारवाद, अपने बेटे की टिकट डिक्लेयर कर दी उन्होंने। जिस व्यक्ति का अपने पार्टी के नेता, नेतृत्व और नीतियों पर विश्वास नहीं है, मैं उसको पार्टी का कैडर का मानता ही नहीं। मुझे टिकट नहीं मिली, मैंने तो पार्टी नहीं छोड़ी थी, मैं तो उसी पार्टी में रहा। मैंने यही कहा कि अगर मेरा केवल और केवल चुनाव लड़ना मुख्य उद्देश्य होता तो मैं 2019 अक्टूबर में, जब मेरी टिकट कटी भारतीय जनता पार्टी में, मैं उसी समय भारतीय जनता पार्टी छोड़ चुका होता। क्या जयप्रकाश जी को आज कांग्रेस नेतृत्व ने टिकट दी है तो आज उनका पैमाना वही रहा है जो सत्येंद्र सिंह को टिकट देते हुए रहा? मैंने कहा राजनीतिक आशाएं, अपेक्षाएं, आकांक्षाएं हर व्यक्ति के मन में होती हैं, हर व्यक्ति चाहता है चुनाव लड़े। मुझे तो कोई नज़र नहीं आता, कुलदीप जी कह रहे हैं मैं जीत रहा हूं, भाई विधायक थे, विधायक बन जाओगे, क्या हासिल होगा? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सत्य खबर पर। आदमपुर का चुनाव लगातार स्पीड पकड़ रहा है और स्पीड पकड़ रहा है नेताओं के चुनाव प्रचार। अभी मेरे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट सत्येंद्र सिंह। कई सवाल हैं जो मुझे उनसे करने थे। सत्येंद्र जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा, चुनाव कैसा चल रहा है? चुनाव बहुत बढ़िया चल रहा है, लोगों में अति उत्साह, उमंग का माहौल है। चुनाव चुनाव ना होकर एक त्यौहार बन चुका है। मैं एक जानना चाहता हूं कि आप जो सोच करके आम आदमी पार्टी में आए थे, पार्टी ज्वाइन की, टिकट ली, लगता है वो सारी चीज़ें वहां आकर के मिल गई है, कुछ कमी महसूस हो रही है? देखिए, मैं केवल और केवल, देखिए मैं लंबे समय से आदमपुर विधानसभा से जुड़ा रहा हूं और मैंने देखा, मैं कांग्रेस में था, कुलदीप जी का पदार्पण हुआ कांग्रेस में, आते ही परिवारवाद, बेटे के लिए टिकट मांगना, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में कुलदीप जी आए, आते ही परिवारवाद, अपने बेटे की टिकट डिक्लेयर कर दी उन्होंने। किस तरह की पार्टियां बनती जा रही हैं, किस तरीके से बाबा साहब ने जो सपना देखा था उसको तोड़ने का, ख़त्म करने का काम ये पार्टियां कर रही हैं, मुझे हैरानी और अचरज होता है। देखिए, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ाऊँ, सरकारी कॉलेज में पढ़ाऊँ, पॉलिटिकल साइंस का मैं स्टूडेंट रहा हूँ, राजनीति को ठीक ठाक समझने का प्रयास है और राजनीति के माध्यम से समाज में कुछ व्यवस्थाएं, जो मूलभूत सुविधाएं और व्यवस्थाएं, उनको बदलने का सपना लेकर आए। आम आदमी पार्टी उन्हीं व्यवस्थाओं के ऊपर काम कर रही है, शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, पानी पर, रोजगार पर, बिजली पर, ये जो मूलभूत सुविधाएँ हैं इनके ऊपर आम आदमी पार्टी काम कर रही है, तो मैं पूरी तरीके से आम आदमी में आके संतुष्ट हूँ। लेकिन आपके आते ही आपके बहुत सारे साथी थे जिनको आम आदमी पार्टी का कैडर कहा जाता था कि हिसार में, आदमपुर में कैडर है, वो सारे लोग छोड़ गए, मेरे ख्याल से तो लगभग सब चले गए। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, जिस व्यक्ति का, जिसको आप कैडर की बात करते हैं, आपका ना कोई पार्टी में अगर आप होते हो तो पार्टी की विचारधारा में आपका विश्वास होता है, पार्टी के नेता और नेतृत्व पे और नीतियों पर आपका विश्वास होता है। जिस व्यक्ति का अपने पार्टी के नेता, नेतृत्व और नीतियों पर विश्वास नहीं है, मैं उसको पार्टी का कैडर का मानता ही नहीं। तो जो आदमी केवल और केवल इस वजह से कि भाई, देखिए मैं 2019 में भारतीय जनता पार्टी में आया था, हर व्यक्ति की चुनाव लड़ने की अपेक्षा होती है, मन में इच्छा होती है चुनाव लड़ें, चुनाव लड़कर व्यवस्था परिवर्तन के जरिए चीज़ों को बदलने का काम करें। मुझे टिकट नहीं मिली, मैंने तो पार्टी नहीं छोड़ी थी, मैं तो उसी पार्टी में रहा, क्योंकि मैं, मुझे लगा कि देखिए, परिवारवाद का तो मैं विरोधी हो सकता हूँ, किसी व्यक्ति विशेष को टिकट मिले उसका मैं विरोध करूँ, इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्वार्थी हूँ और मेरा पार्टी नेतृत्व, नीति और नीतियों पर विश्वास नहीं है। मुझे एक बात लगती है, जितने भी कैंडिडेट अभी इस टाइम पे हैं, स्वार्थी तो सारे ही हो रहे हैं, सब एक दूसरी पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, उनमें आप भी शामिल, आप बीजेपी छोड़ आए थे, अब आप उनको कह रहे हो स्वार्थवश छोड़ गए, उनकी भी तो इच्छा थी चुनाव लड़ने की, आप अकेले अपनी इच्छा क्यों देखते हैं? बिल्कुल ठीक बात है, मैं इस बात से सहमत हूँ, मैंने यही कहा कि अगर मेरा केवल और केवल चुनाव लड़ना मुख्य उद्देश्य होता तो मैं 2019 अक्टूबर में, जब मेरी टिकट कटी भारतीय जनता पार्टी में, मैं उसी समय भारतीय जनता पार्टी छोड़ चुका होता, परंतु मैंने वहाँ रहकर भी काम करने का भरसक प्रयास किया, परंतु जब मुझे लगा कि ये तो हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर, तब मैंने, मुझे लगा कि अब मुझे कहीं ना कहीं व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि एक बात कल से बड़ी चली हुई है कि सारे ही कांग्रेसी चुनाव लड़ रहे हैं आपस में? मैं कह रहा हूँ कि पार्टी नेता, नेतृत्व उनकी कमी है, उनकी कमी है पार्टी नेता और नेतृत्व की। और देखिए, मैं एक चीज़ मानता हूँ, एक परिवार होता है, जैसे एक परिवार में एक मुखिया होते हैं, परिवार में मुखिया का कर्तव्य है, दायित्व है कि वो परिवार को साम कर रखें। इसी तरीके से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा लंबे समय मुख्यमंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, CLP के लीडर रहे, आज अगर लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आत्मविश्लेषण का समय है, इंट्रोस्पेक्शन का समय है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को
और कांग्रेस के राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व को देखना चाहिए कि लोग क्यों कांग्रेस छोड़ रहे हैं। दूसरी बात, ऐसी क्या वजह है? अशोक तंवर जी दलित परिवार से आते हैं, फौजी परिवार से आते हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, कांग्रेस के एक खेमे ने उनका बहुत विरोध किया। हमारी बहन कुमारी शैलजा जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, वही खेमा फिर सक्रिय हो जाता है, विरोध करता है। कहीं कोई ऐसी तो नहीं है, कोई वर्ग के, देखिए व्यक्ति तो अलग अलग हैं, वर्ग के खिलाफ कोई ऐसी मानसिकता तो नहीं होगी कांग्रेस की कि एक वर्ग को मतलब ठीक दृष्टि से नहीं देख पा रही है कांग्रेस? देखिए बड़े छोटे छोटे सवाल हैं जो हर व्यक्ति के मन में आते हैं, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो, सामाजिक व्यक्ति हो, इंट्रोस्पेक्शन का समय है। वो जिस वर्ग की बात करें, जिस वर्ग की बात करें, उसी वर्ग के तो अब वो हैं प्रदेश अध्यक्ष। नहीं देखिए, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ व्यक्ति विशेष में ना जाए। ऐसी क्या वजह रही कि दो प्रदेश अध्यक्षों से एक खेमा संतुष्ट नहीं हो पा रहा था? देखिए मैं, ये मेरा विषय नहीं है, ये कांग्रेस का इंटरनल विषय है, परंतु समाज में और राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते कहीं ना कहीं इस तरह की चर्चाएं, शंकाएं, आशंकाएं मन में हो जाती हैं। और कल उन्होंने कहने का काम किया, कल उन्होंने कहने का काम किया कि भाई ये तो सभी जो हैं कांग्रेस से हैं। जयप्रकाश जी कहाँ से हैं आप बताइए ना? लोकदल से हैं, जनता दल से हैं, हरियाणा विकास पार्टी से हैं, हरियाणा गण परिषद से हैं, फिर दोबारा कांग्रेस हैं, फिर निर्दलीय हैं, फिर दोबारा कांग्रेस में हैं, आगे क्या करने वाले हैं? कल जयप्रकाश जी ने एक राजनीतिक संज्ञा का जन्म दिया, पलटू राम। क्या अर्थ है? जो व्यक्ति, देखिए मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, नाम क्या के भाई लिखवाते हैं, मेरे ख्याल में अंदाज़ा, मेरे ख्याल में 65-70 साल तो उम्र होगी उनकी, 65 वर्षीय होंगे या उससे ज़्यादा, नाम के आगे जरूर भाई लिखवाने का काम करते हैं, तो ताऊ की संज्ञा दी जाए, बड़े हैं पर चलो वो उनका एक विषय हो सकता है, तो उनका एक विषय हो सकता है इसको लेकर। तो परंतु मैं एक चीज़ मानता हूँ इसके अंदर कि कहीं ना कहीं उन्होंने एक विषय को रखने का काम किया कि भाई पलटू राम की बात करें, और उसके बाद उन्होंने एक लाइन और कही। मैं उनका बहुत मतलब, मेरे ख्याल में उनके पुत्र में और मेरे में थोड़ा ही अंतर होगा उम्र के मायने में अगर हम देखें। उन्होंने कहा कि मंदबुद्धि है। 2014 में मुझे टिकट दी कांग्रेस पार्टी ने, क्या कांग्रेस का प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व मंदबुद्धियों को टिकट देता है? क्या जयप्रकाश जी को आज कांग्रेस नेतृत्व में टिकट दी है तो आज उनका पैमाना वही रहा है जो सत्येंद्र सिंह को टिकट देते हुए रहा? देखिए मैं, मेरे से बड़े उम्र में कोई ऐसी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता, परंतु आप पूछ सकते हैं और मैं भी आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, अगर 2014 में कांग्रेस ने मंदबुद्धि को टिकट दी, 2009 में कांग्रेस ने कौन से बुद्धिमान को टिकट दी, और 2022 में क्या आप दावा करते हैं कि कांग्रेस ने मंदबुद्धि को टिकट नहीं दी दोबारा? क्या होता जा रहा है हमारी राजनीति? मुद्दों पर बात होनी चाहिए, इतने केंद्र में मंत्री रहे हैं, मुद्दों की बात करें। कहते हैं मेरे पास बैठा रहता था, 2014 में मुझे टिकट दे दी, खुद तो अपनी टिकट नहीं बचा पाए, ऐसा कैसे हुआ? उन्होंने आपको टिकट दिलवाई नहीं? दिलवाई नहीं, बिल्कुल नहीं दिलवाई टिकट। में जयप्रकाश जी का कोई योगदान नहीं था, मैं कैमरे के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ। टिकट उस समय के तत्कालीन जो प्रदेश अध्यक्ष थे उन्होंने टिकट देने का काम किया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी, राहुल जी ने मुझे टिकट देने का काम किया। अच्छा, अभी कोड़ाराम को जिस प्रकार से टिकट दी गई है इन लोगों द्वारा, क्या लगता है भविष्य क्या रहेगा? देखिए संघर्ष कर रहे हैं कोड़ाराम जी काफ़ी लंबे समय से, पहले विकास पार्टी की टिकट पर चुनाव भी लड़ा है। मैंने कहा राजनीतिक आशाएं, अपेक्षाएं, आकांक्षाएं हर व्यक्ति के मन में होती हैं, हर व्यक्ति चाहता है चुनाव लड़े, और सुनने में ऐसा आया था कि कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें वायदा किया था और उसके बाद वो लगातार सक्रिय थे इस इलाके में। तो कहीं ना कहीं मैं, ये एक सवाल है कांग्रेस नेतृत्व से, क्या कांग्रेस नेतृत्व को 170,000 आदमपुर के मतदाताओं में एक भी व्यक्ति टिकट के योग्य नहीं मिला? ऐसी क्या राजनीतिक मजबूरी है कि आपको टिकट के लिए 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर से लाने, आदमी लाने पड़ते हैं? ऐसी क्या मजबूरी है? ये सवाल कांग्रेस नेतृत्व से पूछा जाना चाहिए और कांग्रेस नेतृत्व को इसका जवाब देना चाहिए। अब कुलदीप बिश्नोई की बात करें, वो भी बड़े दावे कर रहे हैं, जीत तो हम रही हैं। हर व्यक्ति करता है, हर व्यक्ति का अधिकार है, मुंगेरी लाल के असीन सपने हर व्यक्ति देख सकता है। देखिए किस लिए चुनाव लड़ रहे हैं कुलदीप जी?
ये बहुत बार बहुत साथियों ने इस पर प्रश्न पर विषय कर इस विषय पर प्रश्न कर लिए, उत्तर मिल गए। किस लिए चुनाव लड़ रहे हैं? विधायक थे, दोबारा विधायक बनने के लिए? एक पेंशन और बढ़ाना चाह रहे हैं क्या? जो पेंशन पहले मिल रही थी उसमें एक पेंशन और बढ़ाना चाह रहे हैं क्या? क्या विषय है? क्यों चुनाव करवा रहे हैं? क्यों करोड़ों लोगों का पैसा जो है खराब करने का काम कर रहे हैं इस चुनावी राजनीति में? देखिए, विषय है और इस पर बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। मुझे तो कोई नज़र नहीं आता। कुलदीप जी कह रहे हैं मैं जीत रहा हूँ, भाई विधायक थे, विधायक बन जाओगे, क्या हासिल होगा? ठीक है, सत्येंद्र सिंह मेरे साथ थे और आज के जो चुनावी माहौल है, जो आरोप प्रत्यारोप है, उन पर आज इन्होंने जवाब दिया है। इनके जवाब का आप कितना समर्थन करते हैं, कितने संतुष्ट हैं, कमेंट करके जो बताएगा। कैमरा सहयोगी मनीष के साथ सत्यदेव शर्मा। सत्य सटीक बेबाक।